शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मुंबई से 300 मन अनाज भेजा गया है। डॉक्टर, मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी और देश सेवकों के 3 जत्थे अब तक रवाना हो चुके हैं। सरकारी हेलीकॉप्टर दवाएं पहुंचा रहे हैं। कपड़े खराब हो गए। दूसरा रास्ता नहीं जाने का? आओ, कीचड़ से लथपथ, ये पुल भी कमजोर, फिसल के गिर जाने का डर। और कोई उपाय भी तो नहीं? मरना है क्या? उधर इतने लोग बीमार हैं, अगर हम ना पहुंचे तो? वो तो समझता हूँ। अच्छा, इधर एक काम करें, उस गांव से किसी समझदार आदमी को कहो कि इधर आ जाए, और कोई मामूली बीमारी हुई तो दवाई यहाँ से भिजवा देंगे। वक्त बच जाएगा, ये मुसीबत नहीं उठानी पड़ेगी। आती बहन, आती जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। तुम खामोखा ठीक है। अब मैं तुम्हें हरगिज काम नहीं करने दूंगा, बस यूं ही लेटी रहोगी। तुम उठना भी चाहोगी, मैं तुम्हें उठने नहीं दूंगा। खिड़की जरा खोल दे।
मरीज को देखने जाना था लेकिन जी नहीं चाहता। जी चाहता है बस तुम्हारे साथ यही रहूं जब तक तुम्हें नींद ना जाए। नींद आ रही है। सो रही? तबीयत कैसी है? तबीयत अभी ठीक है। तुमने बड़ी बहादुरी दिखाई, शाबाश। क्या काम करते हो? जी कुछ नहीं, बेकार। कौन है? मैं दीपक। आ जाइए। जा सकता हूँ? अंदर जा सकते हो लेकिन उसकी तबीयत अच्छी नहीं है, ज्यादा देर न रुकना। अच्छी बात। मैं तो एक बहाना था, दुनिया को आपकी जरूरत थी, आप बच गई। फिर भी धन्यवाद। तुम मेरे डिपेंड क्यों नहीं चली आती? क्यों? वहां इतनी भीड़ नहीं है, तुम्हें आराम मिलेगा। और मैं हूं? मैं ही ठीक हूं, क्योंकि यहां सिर्फ मैं नहीं, हम हैं। यहां हम सब हैं। मेरे साथ फर्स्ट क्लास के डिब्बे में क्यों नहीं आ जाते? क्यों डॉक्टर? वहां तन्हाई। नाम हमारा ना कोई गुल, अकेला हूं मैं तेरा बुलबुल, है एक तन्हाई मेरी जहां मेरे जहां में आ। यहाँ दंगा शोर नहीं है, है एक तन्हाई मेरी जा मेरे जहाँ में आ। ना भमरा ना कोई गुल, अकेला हूँ मैं तेरा बुलबुल, है एक तन्हाई मेरी जा मेरे जहाँ में आ। तेरा जहां है जिसका नाम, गम की सुबह दुखों की शाम। मामूली सी बात पे लड़ना इसका काम, फिर भी ये सब है अपने, मिलजुल कर देखे सपने। बता सोचाई वही जिंदगी भुला दूं क्या? मेरे जहां में रंगो हूँ, कहीं पर हंसी कहीं आंसू। ना भमरा ना कोई गुल, अकेला हूँ मैं तेरा बुलबुल, है एक तन्हाई मेरी जहाँ मेरे जहाँ में आ। आइए आइए मैम साहब। जीवन जीवन बेओ
कुमार 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 फार्मेसी के मालिक। अच्छा अच्छा, आपकी तारीफ? जीवन। इनका मंगेतर। ओहो औसम ना, चले जी मैम। देखिए मैं अपनी गाड़ी आप ही लोगों के लिए लाया हूँ। नहीं नहीं, हम टैक्सी में जाएंगे। जीवन। अच्छा साला, चलो अरे आगे बढ़। ए ए ठहरो, पीछे बैठो। माफ करना, की जरूरत पड़ती है कमरे का। क्या हुआ? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। सुंदर इंजन देखो। ओ श्योर श्योर। अरे इंजन कहाँ गया? क्या हुआ? चोरी हो गई। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं क्या करूंगा? मैंने पहले ही कहा था हम टैक्सी में जाते हैं। तो जल्दी से जाकर टैक्सी लेके आओ ना। अब सतला मैं टैक्सी लेके आता हूँ। चले जरा। अरे ये कैसी गाड़ी है? स्टार्ट कैसे हो गई? इसका इंजन सर में नहीं पांव में है। इटालियन कार। इसका भी इंजन सर में नहीं पांव में है। ओहो, यानी ऐसा मंगे था। मुझे दो ना। कुछ कहना है साहब? नहीं। क्या है ये बाबू जी? जहाज का टिकट, ट्रेवलर्स चेक, डॉक्टर प्रकाश के यूरोप भेजने का खर्च आप उठा रहे? क्या वो इस काबिल नहीं? क्यों नहीं? इसीलिए बचपन में ही माँ बाप मर गए, वजीफा हासिल करके पढ़ाई की, यूरोप से ब्रेन स्पेशलिस्ट बनकर आया तो जिंदगी संवर जाएगी, उसकी भी तुम्हारी भी। मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ प्रकाश, हाँ। कैसे आते? बैठो बैठो। आपने जो मुझ पर एहसान किया, मेरी समझ में नहीं आ रहा है उसका बदला। मैं उसका बदला होगा तुम्हारी कामयाबी। अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा। क्या सोच रहे थे? कल के जहाज से आप जा रहे हैं ना? हाँ, अगर तुम्हारे पिताजी मदद न करते तो शायद कभी जा ही नहीं सकता था। आरती, जहाज कितने बजे छूटेगा? ओ 5 बजे। तुम तो आज हॉस्टल चली जाओगी, शायद फिर कल आ सकोगी। जरूर हूँ। और अच्छा तो मैं चलता हूँ, बहुत कम बाकी है, कल मुलाकात होगी। जाके देखो कौन आया है। कौन? जिसने तुम्हारी जान बचाई थी। दीपक? हाँ, हाथ में कुछ हो गया है।
माफ कीजिएगा, नमस्ते नहीं कर सकता। हुआ क्या है? कुछ नहीं, गिर गया था। बताइए आप कैसी हैं? डॉक्टर प्रकाश कैसे हैं? अच्छा हम बात करो, मैं टैक्सी लेकर आता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं बस से चला जाऊंगा। जी नहीं, आप टैक्सी से ही जाएंगे। आइए वहां बैठे। अजीब बात है, हम जहां भी मिलते हैं एक तरफ मौत होती है, दूसरी तरफ जिंदगी। मैं किस तरफ हूँ, मौत की तरफ? नहीं, आप तो जब भी आती है अमृत लेकर आती है। दीपक टैक्सी आ गई। सुनिए, कहाँ रहते हैं आप? हा? हाल पूछने आऊंगी। क्या जरूरत है, दो एक दिन में ठीक हो जाऊंगा। फिर भी ठीक होते ही मैं खुद आके मिलूंगा, उधार चुकाने। उधार? हाँ, नमस्कार जो नहीं कर सका आज। रहा सिरिंज और ये निधि। ये मेरी तरफ से मुंह मीठा करने के लिए। आज तुम्हारे इम्तिहान का नतीजा निकला है ना? उसका बदतमीज, देखते नहीं हो मैं ग्राहक से बात कर रहा हूं? हाँ, तो कौन सा डिवीजन मिला है सल्ला? फर्स्ट? तो सेकंड? थर्ड मिला होगा? थर्ड डिवीजन में पास होना कोई पास होना है? तुमसे किसने पूछा? तुमसे किसने कहा? ये मेरी जगह है, मेरी दुकान, ये मेरी मंगेतर है, मेरी जान। ओ, ओ, तेरी ये मजाक, मेरी दुकान में आकर इस तरह की बातें कर रहा है। आइंदा अगर तूने इस तरह की बातें की तो कौन पकड़ कर दुकान से निकाल दूंगा। शादी होने दो, बात नहीं करने दूंगा, दवा नहीं लेने दूंगा तुम्हारी दुकान से, टांग तोड़ दूंगा घर आए तो। क्या कहा? क्या कहा? चुप रहो। पहले मैं चुप हुआ हूं। नहीं मैं, और अब बात भी पहले मैं करूंगा। सल्ला, कौन सा डिवीजन मिला है? थर्ड डिवीजन से पास होना भी कोई पास होना है? ये तो फेल हो गई है। तुम फिर बोले? मैं कहां बोला, मैं तो चुप हूं। तो मैं भी चुप हूं। मैं तो सिर्फ प्रैक्टिकल में फेल हुई, इंजेक्शन में इंजेक्शन लगाने में। मैं आज ही से जाकर प्रैक्टिकल शुरू कर दूंगी। अच्छा सुनो सल्ला, ये चॉकलेट लो। अब सल्ला को मुफ्त में सिरिंज और नीडल देके मेरी सगाई तोड़वाना चाहते हो? माफ करना, मैं तुम्हारी तरह कमीना नहीं। मैंने तो भगवान से प्रार्थना की और प्रार्थना करता हूँ कि भगवान तुम्हारी सगाई कभी ना तोड़े। सच? हाँ, मगर शादी मुझसे हो। आलू के कटलेट ले आओ और पैतीस चटनी के साथ। पैतीस यहाँ की खास चीज है। और क्या क्या है? केक है। केक है। पेस्ट्रीज ले आना। देखिए मैं आपको यहाँ लाई हूँ, बिल मैं ही अदा करूँगी। आप ही को अदा करना होगा, मेरी जेब तो खाली रहती है। आज आप कुछ थके से दिखाई दे रहे हैं। सुबह से आवारा गर्दी करता रहा दूसरों की खातिर। बेकार होना, कुछ तो करना ही चाहिए, वरना यकीन कैसे आएगा कि मैं जिंदा हूँ। इस तरह जिंदा रहते हुए क्या करते हैं आप? गीत लिखता, जिन्हें कोई नहीं सुनता, कोई नहीं गाता, जिनकी कोई कीमत नहीं लगाता।
मैं नहीं पढ़ सकती आपके गीत। क्यों नहीं, मेरे गीत तो सबके गीत है, लेकिन शायद आपको अच्छे न लगे। मैं अपने गीत दुनिया से अलग रहकर फूलों के साए में बैठकर नहीं लिखता। मैं अपने गीत दुनिया के उन हजारों लाखों इंसानों के साथ मिलकर गाना चाहता जो अभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे। हम इस मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी आज आपको एक गुमनाम कवि का गीत सुनाते हैं, जो हमारी तरह सोचता है और हमारी तरह आगे बढ़ना चाहता है। उसका नाम है दीपक। Thank you.
लिखा, बहुत खूबसूरत लिखा, बहुत ही अच्छा। कोई मेरे गीत को इतना सम्मान देगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब मैं जिंदगी भर मुसीबतों से लड़ सकता हूं। कोलियों की बस्ती में बीमारी फैल गई। मुझे तो फिक्र हो चली थी बेटी, सीधी वहीं से आ रही। अस्पताल में फोन करना पड़ा, म्युनिसिपैलिटी में खबर दी, टीमों का इंतजाम किया। ठीक है, लेकिन जो लोग खुद जिंदा रहना नहीं जानते उनके लिए अपने आप को खतरे में डालना ये कहां की अकलमंदी? आखिर तुम्हारी जिंदगी भी कीमती है। हंस क्या रही है? प्रकाश ठीक ही तो कह रहा है। जाओ नहा धोकर कपड़े बदलो। ये क्या है? महाराजा। महाराजा के सर पे क्या है? पगड़ी। हाँ अब समझे। देखिए साहब, अगर आपको मेरा ऊपर वाला फ्लैट अपनी रिहायश के लिए चाहिए तो आपको हमारे महाराजा के लिए एक पगड़ी खरीद के देनी होगी, और उस पगड़ी की कीमत है कितनी है महाराज? 25,000 रुपए। 25,000 मुझे नहीं चाहिए। लेकिन आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, अगर आप ऊपर अपना क्लिनिक यानी कि हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं तो हमारे महाराज अपनी पगड़ी खुद खरीद लेंगे। मतलब ये कि जो 400 रुपया आप किराया देंगे उसी में ये अपनी पगड़ी खरीद लेंगे। आपका मतलब है कि? मतलब साफ है साहब कि ऊपर आपका क्लिनिक, नीचे मेरी दुकान, आप दवाई कहाँ से खरीदेंगे? कुमार साहब फोन है।
सरला देवी का। सरला का टेलीफोन? कह दो कि हम यहाँ नहीं हैं। देखिए साहब, मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है, आप दो दिन में अपना फैसला करके मुझे जवाब दीजिएगा, मुझे जरा देरी हो रही है। 20, 10। हाँ तो कुल कितना खर्चा आएगा क्लिनिक पर? इक्विपमेंट और फर्नीचर मिला के 70,000। 70,000? जी हाँ, फिर भी पगड़ी नहीं देनी पड़ रही है, वरना करीब लाख हो जाता। ठीक है, मैं ये मकान बेच दूंगा। मकान बेच देंगे? तुमसे क्या छिपाना बेटा, इसके सिवा मेरे पास और कुछ नहीं। वैसे बहुत कुछ आरती है, तुम हो। मैं देखता हूं। डॉक्टर प्रकाश, मैंने आपकी खबर अखबार में पढ़ी। बाकी की हमारी खुशकिस्मती है कि हमें आप जैसे ब्रेन स्पेशलिस्ट मिले। कंग्रेचुलेशन। थैंक्स। आरती ने भी कई बार, मिस गुप्ता ने भी कई बार आपका जिक्र किया। तुम आरती को वर्सोवा वाले जा रहे हो? जी नहीं, आज मैं आयरलैंड। ऐसी बात हुई, आरती को ऐसी वैसी गंदी जगह पर ले जाते हो तुम्हें शर्म नहीं आती? मगर वो तो एक डॉक्टर है। ठीक है, लेकिन एक भले घर की लड़की भी है। अपनी जिंदगी को तुमने खिलौना बना डाला है, अब दूसरे की जिंदगी के साथ खेल रहे हो, इसीलिए तुमने आरती को बचाया था। तुम जा सकते हो, आरती तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी, मैंने उसे मना कर दिया। गुड नाइट। ठहरिए दीपक बाबू। आरती, तुम उसके साथ कहीं नहीं जाओगे, मैंने उससे कह दिया। आरती, आरती, मैं जरा बाहर जा रही हूँ। और हाँ बाबूजी, आइंदा इस घर में मेरे किसी भी मेहमान का इस तरह अपमान ना हो, इसका जरा ख्याल रखिएगा। जरा बैठ जाए। वापस जाने में देर ना हो जाएगी? वो तो पहले ही हो चुकी। यहाँ का काम तो शायद खत्म हो गया है। अच्छा ही हुआ जो काम करते रहे, मैं संभल गई। अब आपसे माफी मांग लूं? मुझसे? हाँ, आज मेरी वजह से आपका अपमान हुआ। तो क्या हुआ, तुम्हारे भले बुरे के जो जिम्मेदार है, क्या उन्हें इतना भी अधिकार नहीं कि तुम्हारी खातिर? समझी, आप अभी तक मुझसे नाराज हैं। नहीं, मैं तो जिंदगी से दूर भाग रहा था, एक ऐसे रास्ते पर से जहां आराम था, ना किसी पेड़ का साया, धूल ही धूल थी अपनी नाकामियों की, जिसमें मैं अपने आप को खो बैठा था। इतने में तुमने मुझे आवाज दी, मैं रुक गया। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं भी जिंदा हूं। दीपक, क्यों आवाज दी तुमने मुझे, क्यों याद दिलाई ये सब कुछ? आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया, आपने याद
याद दिलाया तो मुझे याद आया कि मेरे दिल पे पड़ा था कोई गम का साया। आपने याद दिलाया मैं भी क्या चीज हूँ खाया था कभी तीर कोई दर्द अब जाके उठा चोट लगे देर हुई तुमको हम दर्द जो पाया तो मुझे याद आया कि मेरे दिल पे पड़ा था कोई गम का साया। आपने याद दिलाया मैं जमीन पर हूँ ना समझा न परखना चाहा आसमां पर ये कदम झूम के रखना चाहा आज जो सर को झुकाया तो मुझे याद आया कि मेरे दिल पे पड़ा था कोई गम का साया। आपने याद दिलाया दिलाया तो मुझे याद आया। अच्छा रमोला सुनो आज आरती के घर जाना जरूरी है। हाँ जरूरी तो है बहुत सी चीजें तय करनी है क्लिनिक के बारे में शादी के बारे में। अच्छा तो जाओ। ये चेक कैसा है बाबूजी? प्रकाश एक क्लिनिक खोलना चाहता है उसके लिए। इतने रुपये कहाँ से आया? मैं ये घर बेच रहा हूँ बेटी। क्या बाबूजी? इस घर की एक एक ईंट माताजी ने अपने सामने रखवाई थी और आप इसे बेच रहे हैं किसी दूसरे की क्लिनिक के लिए? किसी दूसरे की नहीं बेटी, तुम दोनों के लिए। आपने प्रकाश के लिए जो कुछ भी किया क्या वो कम है? उन्हें खुद भी सोचना चाहिए। शराफत शर्म एहसान मंदी कहीं बाकी रह गई है? आरती मैं जो भी कुछ कर रहा हूं तुम्हारे लिए अपना फर्ज समझ कर। मेरा भी कुछ फर्ज है बाबूजी। बड़ों के आगे जुबान खोल। इसी दिन के लिए तुम्हें पढ़ाया लिखाया ताकि मेरा मान मर्यादा। बाबूजी मैं प्रकाश को जुबान दे चुका हूं, मुझे जुबान देकर वापस लेना नहीं आता।
ठीक है, लेकिन डॉक्टर प्रकाश को सिर्फ ये कागज के टुकड़े मिलेंगे, मैं उनसे शादी नहीं करूंगी। आरती, मुझे अपनी इज्जत प्यारी ही बहुत है। इज्जत सिर्फ तुम्हारी जागीर नहीं आरती, और भी हिस्सेदार हैं। गुप्ता जी की मैं पाई पाई चुका दूंगा। लेकिन आपका एहसान मैं कभी नहीं चुका सकूंगा। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं। क्या मैं पूछ सकता हूं मेरा कसूर क्या है? आपको नहीं मालूम? मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरी बेइज्जती की गई है। बिना वजह? क्या वजह? आपने एक बूढ़े आदमी को बेघर करना चाहा, मेरी कीमत लगाने की कोशिश की। तुम्हारी कीमत लगा? मुझे यह एहसास दिलाया कि मैं कुछ नहीं, अगर कुछ हूं तो उस रुपए के साथ जो मेरा नहीं पिताजी का है। शायद मुझसे गलती हो गई आरती, शायद कसूर मेरा है। शायद? आरती, और सब कुछ कहने की जरूरत नहीं, हम दोनों के एक होते ही सारी शिकायतें खुद ब खुद मिट जाएंगी। हम दोनों मिलकर प्रैक्टिस करेंगे, एक दूसरे का हाथ बटाएंगे, दिन रात रुकने की बारिश होगी, नाम होगा, शोहरत होगी। डॉक्टर प्रकाश, आपके नजदीक डॉक्टरी का यही मकसद है? डॉक्टरी का मकसद? डॉक्टरी का मकसद है सेवा। अच्छी बात है, तो तुम सेवा करना, मैं रुपया कमाऊंगा, बस। तो हमारे एक होने की जरूरत ही क्या है? आरती, आदर्श अपनी जगह, जिंदगी अपनी जगह है। मैं तुम्हें जिंदगी देना चाहता हूं। फर्ज करो तुम्हें ऐसा जीवन साथी मिल जाए जो सोचे तुम्हारी तरह, लेकिन वो एक भीख मंगा बेकार जैसे। जैसे? जैसे दीपक। आरती, अगर अब भी तुमने अपना सोचने का तरीका ना बदला तो एक दिन तुम्हें मालूम हो जाएगा कि जिंदगी कितनी तकलीफदेह हो सकती है, कितनी भयानक। हाँ, बहुत भयानक। मैं जरा देर में समझी, लेकिन अच्छा हुआ कि समझ गई। मैं इसीलिए कह रहा था। नमस्कार। Attention please, your attention please. Passengers leaving for Delhi by flight 201 are requested to proceed to the aircraft. Thank you. Dr. Prakash! मैं दिल्ली जा रहा हूँ रमोला, मुझे वहाँ नौकरी मिल गई। लेकिन तुम तो यहाँ क्लिनिक खोलने वाले थे ना? तो ठीक है, लेकिन अब मैं बोला ना, क्या हुआ? क्या फायदा, मैं चलता हूँ। बगैर बताए नहीं जाने दूंगी। एक रात में इतनी जल्दी आकर ये सब हुआ क्या? मैं मजबूर हूँ रमोला, मैं नहीं बता सकता तुम। योर अटेंशन प्लीज। डॉक्टर प्रकाश इज रिक्वेस्टेड टू प्रोसीड टू द एयरक्राफ्ट। डॉक्टर प्रकाश, छोड़ दो रमोला, प्लेन छूट जाएगा। प्लेन जाता है तो जाने दो प्लीज प्रकाश। रमोला, सिर्फ इतना बता दो, आरती ने क्या? हाँ रमोला, आरती ने मुझे प्रकाश। डॉक्टर प्रकाश ने रमला से शादी कर ली। कोई नई चीज लिखी? एक बात मानोगे?
कई बार तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ, तुमने कभी मुझे अपना घर नहीं दिखाया। ये देखना चाहती हो हम किस हाल में रहते हैं? मानो यही आरती, मैं और तुम्हारा हाथ थाम कर उधर ले जाऊं जहां सिर्फ आंसू है और आहे, मैं कभी कभी सोच भी नहीं सकता। कवि को छोड़कर मैं उसकी कविता का सहारा नहीं लेना चाहती थी। आज मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। चलो मेरे लिए सिंदूर की डिबिया लाए। हाँ रमा, ये लो। भैया मेरी मांग का सिंदूर कोई नोच तो नहीं लेगा? नहीं बहन, कोई नहीं नोचेगा। तुम तो हमेशा यही कहते हो, पर भाभी कहती है सिंदूर तेरे किस काम का, तू तो नसीबों चली। नहीं, तू तो बड़ी नसीबों वाली है, ब्याह के दूसरे दिन ही अपने ससुर को खा गई। नहीं, सास ने निकाल दिया तो यहाँ मरी। नहीं, यहाँ मरी तो पगली बन बैठी। नहीं नहीं नहीं, मैं अपने सिंदूर की डिबिया नहीं दूंगी। नहीं नहीं, तुम्हें दुख नहीं होता रमा से ऐसे बातें कहते? पहले ही बड़ा सुख मिला है, जो दुख भी होने लगे। बच्चों के लिए कपड़े, पगली के लिए सिंदूर की डिबिया, और अपनी घरवाली के लिए और कुछ नहीं तो एक पत्थर लिए आते ताकि सर छोड़ के मर जाती और तुम्हारा छुटकारा हो जाता। आगे बढ़कर जिंदगी का मुकाबला कैसे करेंगे बेटा? जो बन पड़ता है करता हूं, आप ही बताइए और मैं क्या करूं? ये क्या बताएंगे, मैं बताती हूं। कमाई करनी नहीं आती तो आधा गुंदोरसी में जाके।
बहू देखो शाम हो गई है, इस वक्त झाड़ू मत लगाओ, लक्ष्मी घर से चली जाए। लक्ष्मी आई कब थी यहाँ पिताजी? घर की हालत देखकर बाहर से झाँक के चली गई। ओहो, इस घर में तो जो करो सो कम है। रसोई मैं बनाऊ, कपड़े मैं धोऊं, बर्तन मैं मांजू, एक दिन झाड़ू लगाने में जरा देर हो गई तो कौन सा आसमान टूट पड़ा। इतना ही सफाई का ख्याल है तो ये रहा झाड़ू, लगा लो बाप बेटे दोनों मिलके। हाँ माँ, टांग दुखती है। दूसरी भी टूट जाए तो अच्छा है। देख लिया कहां रहता हूं, जहां मौत जिंदगी पर हंसती है। वो दिन दूर नहीं दीपक जब जिंदगी मौत पर हंसेगी। लेकिन कब, कैसे मालूम नहीं। चलो मुझे घर पहुंचा दो। चलो। आज्ञा की क्या जरूरत थी? पर इत्मीनान रखो, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊं। बैठो, बैठो बेटा। मालती, जरा अपनी मां को बुला ला। जरा धीरज से
गले में अटक जाएगा। धनवान की बेटी क्या आ गई, सभी फिसल पड़े, बाप बेटे सभी घेरने में पड़ जाए। जसवंती, ओहो सच्ची बात कही तो आग लग गई। मत खाओ मेरे बला से, भूख के मारे पेट में चूहे दौड़ेंगे तो मैं पकड़ने नहीं आऊंगी। दीपक है कोई नौकरी खबर? नहीं। जल्दी चलो चाचा जी, वो चली जाएंगी। यही जाएगी। नमस्ते बहन जी, आपने तकलीफ क्यों की? और करती भी क्या, बड़े घर की लड़की क्या आ गई? बूढ़े ससुर जी से लेके दूध पीते बच्चे तक एक टांग पे खड़े हैं, मैं किस गिनती में हूँ भला? अच्छा दीजिए। हाँ पी ही लो तो अच्छा है, ठंडी हो गई तो फिर मेरी शामत। जसवंती, अगर आओगी इस घर में तो दो दिन में आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। अभी तो तुम्हारी कीमत 1,25,000 है और मेरी 2 कौड़ी। तुम्हारे हाथ में जादू और मेरे हाथ में झाड़ू। नहीं आ चॉकलेट। चॉकलेट अच्छी बात है, ये ले। बात दीपक तेरे यहाँ लड़की तो अच्छी है बेटा, बड़ी अच्छी है, लेकिन उसे ऐसे घर में लाना क्या खुदगर्जी नहीं होगी हमारी? बहुत समझाया पिताजी, लेकिन मैं उसे भेज देता हूँ आप। तुम्हारा क्या ख्याल है निरंजन जी? वो दोनों अगर शादी करना चाहते हैं पिताजी। अरे शादी तो करना चाहते हैं, लेकिन दीपक को कुछ सोचना चाहिए कि हैसियत क्या है उसकी, ऊपर से बेकारी न काम न धंधा। तो क्या हुआ पिताजी, आर्थिक प्रैक्टिस करके उसे खिलाएगी? हाँ हाँ, बांधो गले में ढोल और बजा बजा कर ढिंढोरा पीटो कि कमाने वाली बहू आएगी कंगलों के घर और देवर और ससुर की बेटी खाएंगे उसकी कमाई। राम राम, मैं और इस उम्र में बहू की कमाई खाऊं? पर पिताजी, नहीं नहीं, मैं ये ब्याह हर किसी मैं तुम्हें कह देता हूं निरंजन, मैं ये रिश्ता कभी मैं कह रहा था बेटी तुमने डॉक्टरी तो पास की होगी तो डॉक्टरी तो करोगी? जी लेकिन प्रैक्टिस नहीं करूंगी। नहीं, मुझे जो विद्या मिली है धन कमाने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, ठीक तो है, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं दूंगा, हम तुम्हारे काबिल नहीं है बेटी। मैं तुम्हें इस गरीबी में घसीट कर अपने से पाप नहीं लूंगा। अगर शादी ही करनी है तो तुम दोनों को हमसे अलग रहना होगा बेटी, तुम समझती क्यों नहीं, मैं भी एक बाप हूं। कौन बाप नहीं चाहता कि उसकी बेटी एक अच्छे घर में जाए, सदा सुख से रहे। पिताजी, पिताजी मुझे नौकरी मिल गई है। ₹200 मामा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अरे निरंजन देखा कैसी लड़की आई है घर में, अरे लक्ष्मी है लक्ष्मी, पाव पड़ती ही दीपक को नौकरी मिल गई।
बहू बहू आज आरती यही खाना खाएगी, तुम्हारे दीपक को नौकरी मिल गई। सुखी रहो बेटा, और सबको सुखी रखो। नारी नारायणी। हियरिंग एड। हाँ हाँ, वो जो बहरे लोग कान में लगा के सुनते हैं। अरे भाई असिस्टेंट, एक हियरिंग एड लाना। क्यों, आजकल क्या कम सुनाई देने लगा है? हैं? अब ये लीजिए हियरिंग एड। बैटरी नहीं है, बैटरी बैटरी वाले के पास मिलेगी। हैं? अरे भाई सुनिए, इसके पैसे कब मिलेंगे? क्या कहा? तो पैसे पैसे। घबरा नहीं, मिल जाएंगे जब इसका टेस्ट हो जाएगा, जब सरला की मम्मी इसे अपने कान में लगाएगी, तुम्हारी और सरला की बातें सुनेगी, और फिर तुम्हारे कान पकड़ के तुम्हें घर से बाहर निकाल देगी। अब ओहो, कुमार सर, क्या है? आई एम सॉरी, क्या है जी? पार्गोनेक्स। मैडम, क्या मुझे सुई लगाती है? ये दवा है मम्मी, विटामिन डी, तुम्हें सुनाई देने लगेगा। लगवा लो मम्मी, वरना मैं फिर फेल हो जाऊंगी। खेल? एक गज की सुई और ये खेल है? हार में गई तेरी सुई और तेरा खेल। तीर दिल पे चला जो तेरी कमान में है, वो तीर दिल पे चला जो तेरी कमान में है। हाय, किसी की आँख में जादू तेरी जुबान में है, किसी की आँख में जादू तेरी जुबान में है। नजर में आते ही तुम तो जिगर में आए सनम, जिगर में आए तो दिल की तरफ बढ़ाए कदम। कहीं ठहरती नहीं जो उसी अदा की कसम, कहीं ठहरती नहीं जो उसी अदा की कसम, उसी अदा की कसम। जमीन पे है वही बिजली जो आसमान में है। चला जो तेरी कमान में है। शाख कहाँ, एक सनम का हाथ कहाँ, हसीन देखे हजारों मगर ये बात कहाँ, हसीन देखे हजारों मगर ये बात कहाँ, मगर ये बात कहाँ।
ये बात और है जो तेरी आन बान में है, किसी की आंखों में जादू तेरी जुबान में है। गाता भी है मम्मी जी, किसी की आंख में जादू तेरी जुबान में है। वो तेरे दिल पे चला जो तेरी कमान में है। वो तेज दिल पे चला जो तेरी कमान में है, किसी की आँख में जादू तेरी जुबान में है। वो तेज दिल पे चला जो तेरी कमान में है, किसी की आँख में जादू तेरी जुबान में है। वो तेज दिल पे चला जो तेरी कमान में है, किसी की आँख में जादू तेरी जुबान। वो तीर दिल पे चला जो तेरी कमान है। अरे भाई साहब कब आए? शर्म नहीं आती सरला? ब्याह मुझसे करना है, गाना गाती हो इस लोफर के साथ। ओ, ओ, लोफर? यस। तो लोफर के बड़े भाई, कल से गाना तुम गा लो और ब्याह मैं कर लूंगा। What? मार खाने का इरादा है क्या? जी नहीं, तीर खाने का इरादा है। सरला सुना तुमने? कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे कुमार, बहुत दिन बाद दिखाई दिए। माताजी। जीते रहो बेटा, जीते रहो। कैसे आए? माताजी जैसे ही आए। मम्मी जी पहले ये पूछो, ये क्या करने आया है? जी आप किस लिए आए थे? मैं सरला को पढ़ाने आया हूँ जी, और मैं तो प्रैक्टिकल करवाने आया था। ओ, माता जी वो सुई लेने। ओ, लो बेटी, आखिर मिल ही गया तुम्हें सुई लगवाने वाला। रोज आना बेटा, रोज आना। मम्मी जी ये रोज रोज आएगा क्या? तू घर जाएगा? आ मेरे साथ, इसके पैसे भी लेते जाना। हाँ, 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 जा, जा। भूल गया चाची ने क्या कहा था? किताब फेंकने से सबक भूल जाते हैं। निरंजन, बहू हो तो आरती जैसी। देखा घर की काया ही पलट गई उसे। हाँ पिताजी। हर बात में सलीका, हर चीज ठिकाने पर। अरे बच्चे भी सुधर गए। बस रह गई अपनी जसवंती। जी मैं जरा कपड़े बदल के आता हूँ। मैं भी जरा मुंह हाथ धोलूं। आरती कब तक काम करती रहेगी बेटा? बस
बस हो गया पिताजी। सबक याद किया? सुनो, जिससे प्यार हो उससे ब्याह नहीं करना चाहिए। क्यों? वो बदल जाती है। कैसे? घरवाली बन जाती है। चाशनी रखी? दही कहाँ रखा है? मैं बना लेती हूँ। दूध नहीं था जमाने को। पहले बता देती दीदी, बाजार से मंगवा लेते। बहुत कर ली डॉक्टरी, आधे पगली को छाछ पिला के ठीक करना है क्या? यहाँ पेट काट कर घर चलाएं, वहाँ महारानी को चाहिए दूध दही हलवा खीर। ये तुम्हारे अमीर बाप का घर नहीं, यहाँ जो होगा वही खाना पड़ेगा। खाते हुए रोते नहीं रमा, खा लो। अभी तो इत्मीनान से खाना खाया कीजिए। इतना वक्त नहीं। इतना काम क्यों करते हो? मुझे गुप्ता साहब का कर्जा चुकाना है। तो चुका दो। अपनी कमाई से। सुनो, आरती ने चाहे कुछ भी किया, मैं तुम्हें सिर्फ इतना याद दिलाना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी बीवी हूं, तुम पर मेरा भी कुछ हक है। तो मैं तुम्हें घर पहुंचा दूं? आपको तकलीफ होगी? तकलीफ तो इस बात की हो रही है कि तुम्हें इस तरफ परेशान होना पड़ रहा है इतनी कड़ी धूप में। बैठो। बीमार है, आए हैं तो उसे देख लीजिए।
डॉक्टर प्रकाश जेठानी जी हैं। नमस्ते। आप बैठिए। ये आपका लड़का है? हाँ। ऐसी हालत कब से? याद नहीं, 4 बरस से। ट्रीटमेंट क्या दिया गया है? केएम हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ था, लेकिन उसके बाद देखभाल ठीक से नहीं हुई। क्रचेस उसके लिए? जी। कैलिपर से मंगवा लेना पांव में बांधने के लिए, और आहिस्ता आहिस्ता चलने की आदत डालना। एक नया इंजेक्शन निकला है, लेकिन अब तक मार्केट में आया नहीं। सैंपल मिले तो मैं भेज दूंगा। आप फिक्र ना करें, ठीक हो जाएगा। सभी डॉक्टर यही कहते हैं, इलाज किसी से नहीं होता। दीदी ये बहुत बड़े डॉक्टर हैं। होंगे। अरे दीपक तुम यहाँ? हाँ, आरती ने 12 इंजेक्शन मंगवाए थे। खरीद लिए? हाँ भाई, खरीद तो लिया, मगर 12 नहीं थी, काम 12 के देने पड़े। ओ, याँ याँ। ये कुमार है ना, एक नंबर का चोर है। फिर तुम क्यों आए? नौकरी डॉक्टर प्रकाश की। इतनी देर क्यों कर दी तुमने? क्या बताऊं डॉक्टर साहब, ये इंजेक्शंस बड़े महंगे हो गए। इंजेक्शंस किस लिए? मैं तो तुम्हें दवा लाने के लिए कहा था। दवाएं तो आपकी लाया हूँ, इंजेक्शंस आरती बहन ने मंगाए थे। आरती? क्या मतलब? दीपक से, वो दुकान पे मिल गया। जी हाँ, 12 इंजेक्शन मंगाए थे, लेकिन इतने महंगे हो गए, बेचारा सिर्फ 3 खरीद सका। मैंने उसे समझाया कि कुमार बड़ा चोर आदमी है। जाओ जीवन। यस सर। दीपक से कह देना कि वो दवा इंजेक्शन जो कुछ चाहे उधार ले सकता है। आपसे? मुझसे नहीं, इडियट केमिस्ट से। मैं कुमार से कह दूंगा। थैंक यू डॉक्टर। शायद वो उधार लेना पसंद न करे मेरी वजह से। तो फिर तुम दीपक से कह देना कि कुमार तुम्हारा दोस्त है। जी, कुमार और मेरा दोस्त? वो तो मेरा दुश्मन है। क्या मतलब दुश्मन? अजी, वो तो क्या? जी कह दूंगा दीपक से। जब मैं कुमार फार्मेसी। भैया, छोटी भाभी आज मुझे डॉक्टर के पास ले गई थी। अच्छा? मेरी मांग में सिंदूर भरा। वो कहती है कि वो मुझे लेने जरूर आएंगे। जरूर आएंगे? हाँ हाँ, तुझे लेने जरूर आएंगे। तेरे बिना तो घर उजड़ गया है ना उनका। लो देवर जी। तुमने क्यों तकलीफ की भाभी, आरती ले आती। उसे दिखावे से फुर्सत मिले तो कुछ करे ना, दिन भर बाहर है। आते देखा तो बर्तनों के ढेर लगा बैठी। यही तो मुसीबत है इन पढ़ी लिखी छोकरियों की, दिखावा ही दिखावा। जब देखो पैर में चक्कर। चक्कर? हाँ देवर जी, दिन भर घूमती रही, गई थी पैदल और आई मोटर में। टैक्सी में? नहीं, साथ में कोई डॉक्टर भी था। डॉक्टर?
हाँ, कुछ भला सही नाम था उसका, क्या नाम? हाँ याद आया, डॉक्टर प्रकाश। ओ डॉक्टर प्रकाश। अच्छा तो कोई रिश्तेदार है हमारी आरती का? है नहीं था। क्या मंगेश? हाय राम, ब्याह तुमसे किया और घूमती फिरती है मंगेतर के साथ? तो क्या हुआ भाभी, डॉक्टर प्रकाश का भी ब्याह हो गया? फिर भी? फिर भी? अरे भाभी चाय तो पी लेने दो, ठंडी हो गई है। मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की, इंसान बन गई है किरण महताब की। अब क्या मिसाल दूं, मन की जवारात का सुरूर, गर्दन है एक झुकी हुई डाली डाली गुलाब की। अब क्या मिसाल दूं तुम्हारे शबाब की, अब क्या मिसाल दूं। गेसू खुले तो शाम के दिल से धुआं उठे, चूले कदम तो झुक के न फिर आसमां उठे। सौ बार झिल मिलाए शमा शमा आफताब के, अब क्या मिसाल दूं। दर का रंग ये आंचल ये पैरहन, घर का मेरे चराग है बूटा सा ये बदन। तस्वीर हो तुम्हें मेरे जन्नत के जन्नत के ख्वाब की, अब क्या
मिसाल दूँ मैं तुम्हारे शबाब की, इंसान बन गई है किरण महताब के, अब क्या मिसाल दूँ। क्या बजा है? नहीं बताना चाहते? मत बताओ। लेकिन इतना भी नहीं पूछोगे? अब तक कहाँ रही, इतनी रात गई क्यों आई हो? क्या जरूरत है? एक बार इंतजार करना पड़ा तो इतना गुस्सा? कभी तुमने ये भी सोचा है कि मैंने तुम्हारे लिए कितना इंतजार किया है? मुझे तो तुम्हारे ऊपर कभी भी गुस्सा नहीं आया, मैं तो अब भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। साढ़े ग्यारह बज गए, चस्त हो जाओ। नींद किससे आएगी? रात भर मैं यही सोचती रहूंगी कि तुम्हारी होकर भी मैं तुम्हारी क्यों ना बन सकी। और तुम? और मैं? मैं क्या? तुम रात भर उस आहट का इंतजार करते रहोगे जो एक बार तुम्हारे करीब आकर तुमसे दूर चली गई। प्रकाश, अब तो भूल जाओ आरती को। नहीं भूल सकता जब तक मैं उससे बदला न ले लूं। इस बात का कि वो तुम्हारे रास्ते से हट क्यों गए? नहीं, इस बात का कि वो मेरे रास्ते में आई ही क्यों? लेकिन अब तो तुम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। रास्ते मिल भी सकते हैं। जला दिए? जला दिया डालने। अब उस पे पानी रख दो। रख दिया डालने। शुगर। मैं तो आरती उतारू बुरुक बाउनती, शुगर डालो मैं देर लड़की दो। अब उस आराम कुर्सी पे जाके बैठ जाओ। तो तुम अपने कोमल कोमल हाथों से मुझे चाय बनाकर पिलाना चाहती हो? ओहो, क्या खुशबू है ब्रुक बॉन्ड की चाय की, बिन पिए मजा। अब उसमें दूध भी डाल दूं? दूध ही तो डाल रही। वेरी गुड। थोड़ी सी बलाई मेरी सेहत कुछ कमजोर हो रही है। बहुत बुरी बात है। वन चा चा चा, वन चा चा चा, वन चा चा चा, वन चा चा। अच्छा, अब जरा कोट उतारो। लेकिन क्यों, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ जो कपड़ों पर चाय गिरा दूंगा। तुमसे कहा ना कोट उतारो। ओहो, तो नाराज क्यों होती हो? वन चा चा चा, वन चा चा चा, वन टू चा चा चा, और लाओ हमको पिलाओ चाय। आस्तीन ऊपर। आस्तीन ऊपर। लेकिन सरला, चाय तो मैं मुंह से पीऊंगा, आस्तीन से थोड़ी। तुमसे कहा ना। लो, कहा तो ये भी। वन चा चा चा, वन चा चा, वन चा चा चा, वन टू चा चा चा, वन टू। सरला,
सरला तुमसे कहा था ये तुम चाय इसमें क्यों ले आई हो? एक काम करो, तुम कप में चाय ले आओ। वन टू चाय। ये चाय नहीं, इंजेक्शन है। इंजेक्शन है तो फिर इंजेक्शन क्यों है? तुमने वादा किया था ना इंजेक्शन लगवाने का। लेकिन इतनी बड़ी सुई तुमने तो दी है। लेकिन सरला मुझे सर्दी लग रही है। तो गर्मी आ जाएगी। मुझे तो गर्मी भी लग रही है। तो सर्दी आ जाएगी। ओहो सर्दी गर्मी, मैं मरना नहीं चाहता, मैं अभी मरना नहीं चाहता। कहाँ जा रहे हो कुमार साहब? जीवन भैया तुम्हारी मंगेतर। तेरी मंगेतर? जी हाँ, आपकी मंगेतर मुझे इंजेक्शन देके मार डालना चाहती है। इंजेक्शन नहीं थी। तुम ही लगा लो, तुम ही लगा लो। जाने ये तुम क्या करने को लगा है छोटे मन साहब? तुम चुप रहो। इन्होंने वादा किया था इंजेक्शन लगवाने का। हाँ किया था मेरे सामने। अरे कब किया था सर? तुम झूठ बोलते हो। अरे मैं झूठ नहीं बोलता। आस्ती ऊपर। हाँ हाँ एक तुम तो आजो सरला, बड़ी स्वीट लागू? नहीं। कैसे रख ले? अब तू काय को घबराता रहते? जवान ब्याह तो लगा नहीं मांगता। हमारा गॉड तुम्हारा मदद करेगा। जल्दी करो थोड़े मेम साहब। हाँ हाँ सरला प्लीज जरा जल्दी करना। आस्तीन ऊपर करो। नहीं नहीं तुम आस्तीन के ऊपर भी लगा दो। इंजेक्शन दिया नहीं, ये पहले से कैसे फूल गया? ये तो मसल्स है, तंदुरुस्ती है। हंसते क्यों हो? इसलिए कि दर्द कम होता है। नहीं ये दर्द ही निकाले थे। नहीं मेरे जीवन में ये मेरी कौन सी हड्डी निकाल दी? धोखा देते हो, पकड़ना जीवन। अरे हट, मगा मगा जल्दी एकदम करो। खून कुमार, अरे सरला ये क्या कर दिया? खून। खून नहीं मम्मी जी, ट्यून। कुमार इंजेक्शन लगवा रहा था, मैं से ट्यून सुना रहा था। कुमार साहब, अरे ये तेरे को क्या हो गया थे? अरे अरे कुमार। ठीक है, शाबाश। चाची हाँ हाँ कोशिश करो कोशिश करो। आओ रवि, क्या बदतमीजी है ये मालती? मोहन छोड़ दे मुझे, अच्छी डॉक्टरी है, दवा दारू से कुछ नहीं हुआ तो सांप दिखा के मार डालने लगी है मेरे बच्चे को। देखा ससुर जी कैसा इलाज करती है आपकी बहुरानी, आंखों के सामने दवा मालिश इंजेक्शन और पीठ पीछे ये काला सांप। ये क्या कह रही हो बहू, आरती तो डॉक्टर है। सात बच्चों को खा के डॉक्टर बनेगी ये। कह दीजिए अपने बहुरानी को, मेरा बेटा चाहे 10 जन्म और लगना रहे, फिर से कभी हाथ लगाए तो मुझसे बुरी कोई नहीं होगी। हाँ दादाजी, चाची ने सिखाया चलना। तरस आता है तुम पर। क्यों? दिन रात काम करती हो, ऊपर से भाभी की जली कटी भी सुननी पड़ती है। तो क्या हुआ, कभी किसी ने ये भी सोचा है कि दीदी हर वक्त खफा क्यों रहती है? बचपन में ही माँ बाप चल बसे, पढ़ाई हुई नहीं, प्यार कहीं मिला नहीं, ब्याह करके इस घर में आई तो किसी ने उनके हाथों में चूड़ियां तो पहनाई नहीं, झाड़ू थमा दिया।
दीदी हमसे ही नहीं सारी दुनिया से खफा है। आरती, तुम तो हर एक को माफ कर सकती हो, है ना? लेकिन तुम्हें नहीं। मेरा अपराध बताना पड़ेगा। नहीं बताते, यही मरीज है। एक ही। क्या नाम है? कुमार चंद ढोलकिया सीपी खंडवा सुरेश भट्ट। ये क्या? ये क्या क्या? तुमको पता नहीं आज जाना है? हम दोनों का डांस है, वो जो अंधों की स्कूल है ना, उसका चैरिटी शो है। हाँ तो फिर चलो ना। चलती हूँ। उईमा 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 रख दो, उईमा उईमा उईमा। सौ बार अंधेरी छाई, सौ बार जमाने बदली, हम सूरज बनकर डूबे, हम सूरज बनकर निकले। ये कल रात को लिखी थी ना, तारीफ डाल। तुम्हें सिर्फ कवि अच्छा लगता है, कवि के रूप में जो इंसान है वो नहीं। इंसान मेरा प्यार है, कवि मेरी उम्मीद। थोड़ी देर के लिए कवि को भूल के इंसान के साथ कहीं चलोगी? जरूर चलूंगी। कहाँ? एक प्रोग्राम है, जल्दी तैयार हो जाओ, 7 बजे पहुंचना है। सुनो, बात यह है कि मैं जरा आरती को बाहर ले जाऊं। पूछ के देखो, चली जाए तो तुम्हारी किस्मत। तैयार हो गई? हाँ, लेकिन ये साड़ी मुझे अच्छी नहीं लग रही, मैं दूसरी बदल लेती। ब्याह के बाद पहली बार तुम्हारे साथ कहीं जा रही हूँ। देर न करना। जाने क्यों नहीं आई अब तक? आरती, चलना नहीं क्या? चलती हूँ, बस थोड़ी देर और। नमस्ते। नमस्ते, कहिए कैसे आना हुआ? बैठिए। आरती घर में है जी? मुझे उससे काम लाता। बाहर जा रही हो? जी हाँ। वो लड़का कैसा है? अब तो चलने लगा है, लेकिन पैर अब भी कमजोर है। वो उस सैंपल के बारे में मैंने कहा था। और नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। इतने दूर से तकलीफ करके आए हैं, क्या एक प्याली चाय भी नहीं पूछोगे? मेरे पास वक्त नहीं है। नमस्ते। चलो, बहुत देर करवा दी ना मैंने। किसी का इंतजार करना पड़े तो देर हो ही जाती है। इंतजार? हाँ हाँ, डॉक्टर प्रकाश का पहले ही बता दिया होता। अकेले ही जा रहे हो देवर जी? मैं खाना भी बाहर ही खाऊंगा।
खाना खाया और नहीं तो क्या भूखा मर जाता। दीपक तुम रूठ गए तो और मेरे लिए क्या रहेगा। चलो कहा चलो ना। बात ना करने की कसम खाई है क्या? मैं तुम्हें अपना नहीं बना सका। तो किसकी हूं मैं? तुम्हें मालूम होगा। भूल गया तुमसे ब्याह क्यों किया था? मुझ पर तरस खाकर। हाँ क्योंकि तुम बड़े सीधे हो कुछ नहीं समझते। ये कैसे समझ लिया कि मैं डॉक्टर प्रकाश का इंतजार कर रही थी? तो फिर किसका इंतजार कर रही थी? रमा का जो अपने पति से मिलने गई थी। तुम सुशील से खफा हो ना इसीलिए तुम्हें नहीं बताया। लेकिन सुशील मैंने ही उसे बुलाया था। वो रमा से भी मिला है कहता है रमा को वापस ले जाएगा। मैं मानती हूँ कि जिंदगी के चंदन है अपने लिए भी चुन लेने चाहिए लेकिन उन्हीं लम्हों में अगर हम किसी दूसरे को अपने से ज्यादा खुशी पहुंचा सकें तो हम जिंदा कैसे रहे? चांद की तरह जो इसीलिए चमकता है कि दूसरों को जान नहीं मिले। सांस की तरह जो खुद सोच में डूब जाता है ताकि सुनने वाले छू उठे। चुप के करता है इशारे चंदा सा सवार। क्या आ तो है सजनी ले चलूं नदिया के पार। तेरे बिन साजन लागे नदिया मिलते मिलते झुक गए क्यों नैन तेरे। झुके झुके नैना करते हैं झुके झुके नैना करते हैं तुमसे इकरार। क्या तेरे बिन साजन लागे न जिया हमार। आ तो है सजनी ले चलू नदी आके पार।
दरिया ऊपर चांदनी आई संभल संभल, दरिया ऊपर चांदनी आई संभल संभल। इन लहरों पर मन मेरा गया मचल मचल। एक बात कहता हूँ तुमसे, एक बात कहता हूँ तुमसे, ना करना इनकार। क्या? आ तो है सजनी ले चलो नदिया के पास। तेरे बिन साजन लागे नदिया बस, तारों की छाँव में चलते ही रहे। नाम तेरा ले ले कर गाए, नाम तेरा ले ले कर गाए, धड़कन का हर तार। क्या? सजनी ले चलो नदिया के पार। कहाँ से ना माफ करना भाभी, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे फिर कभी आओगी नहीं। आधा जन्म यहाँ गुजार दिया, दो दिन ससुराल में भी रहने दो। डार्लिंग, मुझे आज पहली तनख्वाह मिली है, चलो सर्कस देखने चलें। सर्कस में तुम जाओ, मुझे इंजेक्शन लगाना है। इंजेक्शन? हाँ इंजेक्शन, प्रैक्टिकल, कुमार ने यही इंतजाम कर दिया है। कोई इंजेक्शन उल्टा सीधा लग गया तो? उल्टा सीधा कैसे लगेगा, मुझे डॉक्टर बनना है, तुम्हारी तरह किसी डॉक्टर का पिट्ठू नहीं, समझे? पिट्ठू? ओके पिट्ठू। लटकाओ ये तस्वीर दीवार पर, पूजा करने के लिए यही तो एक देवी रह गई है इस घर में। आज आरती के ब्याह की पहली सालगिरह है जसवंती। क्यों ना हो, ब्याह तो सिर्फ आरती का ही हुआ है, मैं तो खजूर के पेड़ से टपकी थी तुम्हारे लिए। इतना ही शौक है सालगिरह मनाने का तो कभी मेरे ब्याह की सालगिरह भी मना ली होती, उसमें ऐसे कौन से लाल जड़े हैं? तो तुम में नहीं जड़े, जब से यहाँ आई है इस घर की काया पलट गई है। काया उसने पलट दी है, खोपड़ी तुम्हारी घूम गई है, जाओ कहीं भेंट भी ले आओ देवी जी के चरणों में अर्पण करने। अभी लाता हूँ, बस यही एक काम की बात की तुमने सारी उम्र। सुनो आज जल्दी आ सकोगे? क्यों? कहीं बाहर जाएंगे। आज सूरज किधर से निकला है आरती? तुम उससे क्या, तुम तो हमेशा उसे डूबते हुए देखते हो। अच्छा हाँ, आज अगर कुछ मांगू तो? क्या एक नया गीत? गजरा। जरूर लाऊंगा। अच्छा चला, जल्दी आना। हाँ दीदी यही रहते हैं? हाँ डॉक्टर प्रकाश जी ने मुझे भेजा।
रजिस्टर मिलता है। डॉक्टर साहब मुझे आधे घंटे की छुट्टी चाहिए। आ सकता। थैंक यू डॉक्टर। सल्डाना। यस डॉक्टर। मिसेस मोहिनी शर्मा का ऑपरेशन कल की बजाय आज हो सकता है? यस डॉक्टर। गुड, फिक्स कर दो 5 बजे। लेकिन लेडी डॉक्टर? लेडी डॉक्टर आ जाएगी। प्रकाश? हाँ डॉक्टर प्रकाश, उसी के कहने से मैंने झूठ बोला था कि कुमार मेरा यार है। मैं भी समझा कि डॉक्टर प्रकाश की चाल है, उसने जानबूझकर तुम्हें नोटिस भिजवाया है। मैं अभी जाकर लात मारता हूं ऐसी नौकरी पर। नहीं जीवन, केम्स के बिल आज ही अदा कर दिया जाएगा। बात ये पुराने ख्याल के लोग हैं, बार बार यही कह रहे हैं कि ऑपरेशन के वक्त किसी लेडी डॉक्टर को होना जरूरी है। ठीक ही तो कह रहे हैं। जी हाँ, इसीलिए हर समय तुम्हें तकलीफ नहीं देता, लेकिन अचानक ऑपरेशन आ पड़ा और कोई लेडी डॉक्टर फ्री नहीं है। लेकिन क्या? ओहो, आज तुम्हारा जन्मदिन है, शादी के सालगिरह है शायद। लेकिन किसी की जिंदगी का भी सवाल है आरती। अच्छी बात है, मैं चलती हूँ आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। आप जानते हैं मेरी कविताएं छापकर आप हजारों रुपए कमा सकते हैं। खो भी सकता हूँ, इनमें मेरा आदर्श, मेरी जिंदगी है। 350। लेकिन मुझे 400 रुपए की जरूरत है। 50 रुपए तुम्हारी तनख्वाह में से दे सकता हूँ पेशगी। ठीक है जी, भी चलिए करना करना आरती, मैं देवर जी को समझा दूंगी। कहिएगा मेरे साथ गई। हाँ। यही तो कहूंगी। ये रहा आपका बिल 390 रुपए। रसीद भिजवा दूंगा। क्यों, मुझे अभी चाहिए। ठीक से बनाई है ना, कोई नई चाल तो नहीं। आप हम पर क्यों बिगड़ रहे हैं साहब? डॉक्टर प्रकाश ने उधार दिलवाया, उन्होंने कहा कि वो नोटिस भेज दो, कुमार साहब ने नोटिस भेज दिया। मैं बैठा हूं, मैं आता हूं। कैसा नाम हो दीपक? दवाओं का बिल? जी, दवाएं जो आपने मुझे उधार दिलवाए धोखा देकर, बिल जो आपने जबरदस्ती भिजवाया मुझे शर्मिंदा करने के लिए। मैं समझा तुम और कुछ। खैर, तो ये बिल तुमने चुका दिया? नहीं तो क्या आपके आगे हाथ फैला था? ठीक किया तुमने, शराफत इसी का नाम। लेकिन आपने जो कुछ किया, जो आप कर रहे हैं, उसका नाम हमदर्दी, इंसान दोस्ती। अगर आप में जरा भी इंसानियत होती तो आप मेरे और आरती के दरमियान आने की कभी कोशिश ना करते। जिन दिलों में प्यार होता है वो मट्टी के ढेले नहीं होते डॉक्टर, कि जब कोई चाहे जरा सा दबाव डालकर अलग करते। इस बात का पूरा यकीन है तुम्हें? ये मत भूलिए डॉक्टर, एक दिन आरती ने आपको ठुकरा कर मुझसे शादी की थी। यही तो भूल नहीं सकता है। दीपक के साथ नहीं, डॉक्टर प्रकाश के साथ। वो
बड़ी सी मोटर में बैठकर। हाँ समझा, किसी रोगी को देखने गई होगी, आ जाएगी। आ क्यों नहीं जाएगी, रोज जाती है रोज आती है, पर आज वो खानदान का नाम रोशन करके ही आएगी। खबरदार जसवंती, दीपक के सामने कुछ बोली तो। बोलती है मेरी जूती, मोहल्ले वालों की जबान बंद करो तो जानू। जब बीज बचा ढंडोरा पिटेगा तब पता चलेगा। मार डालो, तेरी सही बाकी रह गया। क्या हुआ भाभी, आरती कहाँ है? अरे बोलती क्यों नहीं? बोलने को मना किया है। सच बताओ क्या हुआ आरती को? चली गई है। चली गई डॉक्टर प्रकाश के पास। आरती मेरे ख्याल है मैं तुम्हें घर छोड़ाऊंगा। चाय लाई हूं, पी लो देवर जी, नहीं तो ये भी ठंडी हो जाएगी। रख दो। अपने आप को हलकान करने से फायदा, लोगों की जबान थोड़ी बंद होगी इससे, जितने मुंह उतनी बातें। क्या कहते हैं लोग, क्या सुना है तुमने? आई मेरी शामत, मैं थोड़ी सुनना चाहती थी, पर करती क्या, कान तो बंद नहीं किए जाते, लोग कहते। भाभी। अरे मुझ पर बिगड़ने से क्या होगा, मैं तो हमेशा मन से प्रार्थना करती हूँ, दुनिया चाहे जो कुछ कहे, तुम दोनों का संसार हमेशा सुखी रहे। लो आ गई मोटर, आ गई। आज के दिन भी तुम्हें इंतजार करवाया ना, क्या करती, डॉक्टर प्रकाश खुद आ गए थे, नाजुक ऑपरेशन था एक औरत का, दूसरी कोई लेडी डॉक्टर मिल नहीं रही, इसलिए तुम्हें ले गए। कितनी अच्छी लग रही हो तुम, आज तो खूब सिंगार। अभी पूरा काम हुआ, लाओ। क्या? अरे भूल गए सुबह क्या मंगवाया था। वहां है तुम ही लगा दो। आज बहुत दिन के बाद महसूस हुआ कि मैं भी एक डॉक्टर हूं। और क्या महसूस हुआ? वाह। देर से मैं आई और सजा मिली इन बेचारे फूलों। ठीक से सजा दो कहीं मुरझा ना जाए। तुम तो जानते हो किसने भेजे, डॉक्टर प्रकाश। दीपक देख क्या रहे हो, मैं इतना बेवकूफ नहीं जितना तुम समझती हो। मैं जानता हूं डॉक्टर प्रकाश बार बार यहां क्यों आते हैं, आज भी क्यों आए, और तुम बार बार भागी भागी उनके पास क्यों जाती, क्यों आज के दिन भी तुमसे इनकार ना हो सका। तुम भूल गए हो कि मैं तुम्हारी स्त्री ही नहीं एक डॉक्टर भी हूँ, दूसरों का भी कुछ हक है मुझ पर, मेरा भी कुछ फर्ज है उनकी तरफ। हाँ सारी दुनिया का हक है तुम पर, नहीं तो सिर्फ एक आदमी का, मेरा, तुम्हारे पति का, जिसकी आंखों में धूल झोंक कर तुम जब चाहो अपना फर्ज निभा सकते हो। दीपक सुनो, तो मैंने तुम्हें नाराज किया, जो चाहो सजा दे, लेकिन तुम मेरे पति हो, ऐसी बातें कहकर अपने आप को मेरी नजरों से मत गिराओ। मैं सब कुछ सह सकती हूँ पर झूठी तो मत बर्दाश्त नहीं कर सकती।
तोहमत, तुम इसे तोहमत कहती हो? तुम्हारी वजह से आज मैं किसी से हाथ नहीं मिला सकता। इतनी ही तड़प थी तुम्हारे दिल में डॉक्टर प्रकाश के लिए तो मुझसे शादी क्यों की? झूठी खुशी के एक टुकड़े के लिए अगर डॉक्टर प्रकाश के आगे हाथ फैलाना था तो मेरा दामन क्यों थामा? बड़ी बड़ी आदर्श भरी बातें और इतना छोटा दिल। मैं तो ये समझती रही कि मेरा दीपक दूसरे पुरुषों जैसा नहीं, पर आज पता चला कि सब पुरुष एक बराबर होते हैं। सब अपनी पत्नी पर पहरा देना अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझते हैं। बस बस बंद करो अब ये खेल। खेल? खेल है ये? हाँ हाँ खेल, अमेरिका खेल, जिसने प्यार के पर्दे में गरीबी की हंसी उड़ाई, डक की सेवा का खेल, जिसकी आड़ लेकर तुमने इस गरीब घराने का इतना बड़ा अपमान किया। भगवान के लिए अब तो मुझे जिंदा रहने दो, मुक्ति दो अपने इस दोगले जीवन से, जिसके जहरीले धुएं में तुमने हमारा सांस लेना मुश्किल कर दिया। दादाजी को बुलाता हूँ। छोड़कर जा रही हूं, ठीक ही कर रही हो। कौन रहेगा हमारे घर में? वो तो नरक है नरक। तुम्हीं थी जिसने इतने दिनों से स्वर्ग बना रखा था। पिताजी, रमेश मारती जाओ, घर जाओ। कहाँ जाओगी बेटा? अपने पिताजी के घर। क्या मुंह लेकर जाऊं? तुम नहीं जा रहे हो बेटा, मैं तुम्हें भेज रहा हूं। तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, चंद दिन उनकी देखभाल कर लो।
नमस्ते गुप्ता जी। नमस्ते बेटी। बहू को ले आया हूँ। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, सोचा आपकी देखभाल कर सकेगी। इतने दिन बाद बूढ़ा बाप याद आया। माफ कीजिए गुप्ता जी, कसूर तो आप ही का है, आपने भी तो कभी बेटी को याद नहीं किया। ये तो आ ही नहीं रही थी, आपकी तबीयत का हाल सुना तो राजी हो गई। अच्छा तो मैं चलता हूँ। पिताजी मैं फिर आऊंगा बेटी, तुम्हें देखने फिर आऊंगा। तुम्हें लोग मारने आ रहे हैं, 10, 20, 50, 100। तुम कुमार के दवा खाने में इंजेक्शन लगाने जाती हो ना, उल्टे सीधे लग गए होंगे। हम तो बाड़े के आदमी हैं। साहब जीवन साहब ने हम सबको 1-1 रुपया दिया है। चलो निकले ऐसे। दफा हो जाओ। हाँ दफा हो जाओ, और तुम सबके साथ मैं भी दफा हो जाता हूँ। जी जीवन साहब, आप कहाँ दफा हो रहे हैं, अभी तो मम्मी आएंगी। कहाँ से? शहनाइयाँ बजेंगी। कैसे? बारात निकलेगी। कब? अब बैठो। बैठ जाओ। माता जी आइए और देखिए अपनी आंखों से ये क्या हो रहा है। मम्मी क्या बात है बेटी, तू रो रही है? रोएगी नहीं तो क्या हंसेगी। ये जीवन भाले से आदमी लाया था सरला को पिटवाने, खूब पिटवाया, खुद ने भी पीटा। जीवन क्या ये बात सच है, बोलते क्यों नहीं? अबे बोल, ये सच है कि झूठ, बोल। तेरी ये मजाल। ओहो तेरी ये मजाल। माता जी आप बैठिए। माता जी मैं किस लिए हूँ? बड़ा आया डंडे से पीटने वाला, फिर कभी हाथ उठाया तो? सरला तुमसे शादी नहीं करती, इसमें कोई जबरदस्ती है क्या? जबरदस्ती है क्या? जबरदस्ती कौन कर रहा है? तुम। हाँ तुम। जॉनी तू तो सब जानता है ना? जॉनी सब कुछ जानता, जॉनी सब कुछ बता देगा। जबरदस्ती उसने किया। ठीक डंडा। डंडा जिसके हाथ में डंडा है। हाँ? नहीं मेरे हाथ में डंडा नहीं है। फेंक क्यों दिया? उठाओ ना, पकड़ा गया ना झूठ। मम्मी जी बताओ उसने ये सब कुछ क्यों किया? ये खुद सरला से शादी करना चाहता है। मम्मी मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, जब तक तेरी शादी नहीं होती रोज की यही मुसीबतें रहेंगी। शादी? ओ गॉड। शादी हो जाए एक बार, घर में नहीं घुसने दूंगा। क्या? इससे क्या? माँ जी
ये बोलता है शादी हो जाए एक बार तो आपको घर में घुसने नहीं देगा। वाह, मेरे घर में मुझे नहीं घुसने देगा। झूठ बोलता है। क्या? इससे एक बार क्या? माँ जी आप इसी से पूछ लो। बोल बोल, अब बोल, बोलता क्यों नहीं? टांग तोड़ दूंगा, खून पी जाऊंगा। बदतमीज। माता जी। मदम। माता जी। मदम। मम्मी जी। अबे तू यहाँ क्या कर रहा? ये ले, ये ले। माता जी, माता जी। मम्मी। मदम मैं एक मिनट ठहर के जाओ। छोटा मैम साहब का शादी किससे होगा उसका नाम बता के जाओ, ब्लेसिंग करके जाओ। कुमार। माता जी। जीवन का? जीवन, जीवन तो चला गया माता जी। आपको ऐसी हालत में छोड़कर? वेरी बैड, वेरी बैड। कुमार जी। माता जी। वेरी गुड। सुखी रहो। वेरी गुड। ओह गॉड। माता जी, माता जी मुझे आज मालूम हुआ कि आप मेरी सचमुच की माता जी। धन्य धन्य हो माता जी, धन्य। मुबारक हो। नाश्ता नहीं करोगे? नहीं, नाश्ता नहीं करूंगा, मुझे देर हो जाएगी, काम है। कहाँ जाना है जो इतनी जल्दी है? गुप्ता जी के घर। हाँ, कर्जे की आखिरी किस्त चुकाना है। तो जीवन को क्यों नहीं भिजवा देते? मुझे शुक्रिया अदा करना है। ये क्यों नहीं कहते कि आरती से मिलना है? सुना है वो भी आजकल यही है। अगर वही है तो मुलाकात हो जाएगी। प्रकाश, कितनी जिंदगी तुम और तबाह करोगे? मेरी जिंदगी तुमने तबाह कर दी, अपनी जिंदगी तुमने तबाह कर ली। ना तुम किसी के बन सके, ना किसी को अपना बना सके। जरा इतना तो सोचो, आज एक अच्छा सर्जन होने के अलावा और तुम क्या हो? हाँ, मुझे सोचना ही पड़ेगा कि आज मैं एक अच्छे सर्जन होने के अलावा और क्या हूं। जी शायद गुप्ता जी को मालूम नहीं था तुम्हें यहाँ वापस क्यों आना पड़ा। गलती हो गई, फिक्र ना करता तो अच्छा था। अच्छा चाय रहन दो, चाय पीने बैठेंगे तो गुजरे हुए दिन याद आ जाएंगे। लेकिन आरती, क्या सचमुच वो दिन गुजर गए हैं? क्या तुम्हें महसूस नहीं होता कि वक्त हमारे लिए कुछ रुक सा गया है, थम सा गया है? सब कुछ बदल गया है, नहीं बदले तो सिर्फ हम, है ना? मैं समझी नहीं। झूठ, तुम समझना नहीं चाहती। कहना क्या चाहते हैं आप? वही एक बात जो हम दोनों के दिल में है पर जिसे हम जबान पर नहीं ला सके। क्या मतलब? मतलब यह है कि आरती, एक दिन हम दोनों खुश थे लेकिन आज न जाने क्या हो गया, मुझे सब कुछ मिला, शोहरत, इज्जत, दौलत, फिर भी किसी एक चीज की कमी रह गई। और तुम्हें? मैं सेवा करने की लगन थी, बहुत करते थे। क्या मिला तुम्हें? आपको मेरे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं, मैं शादीशुदा हूं और मेरा सुख मेरे पति के प्यार में है। प्यार? अच्छा प्यार है जो जरा से ठेस बर्दाश्त नहीं कर सका। अच्छा पति जिसे अपने आप पर भरोसा नहीं। मेरा साया पड़ते ही तुम्हें घर से निकाल दिया, ये भी एक तरह का प्यार है। और कुछ भी हो,
मैं भी उनसे प्यार करती हूँ। फिर झूठ, ये प्यार नहीं तुम्हारी जिद है। तुम्हारी इसी जिद ने तुम्हें मुझसे छीन लिया है और तुम्हें तुम्हारी जिद का एहसास दिलाने के लिए मैंने, जानती हो मैंने क्या किया? क्या? तुम्हारे घर गया, तुम्हें फूल भेजे, तुम्हारे पति को उधार दिलवाया और तुम्हारी शादी के सालगिरह के दिन भी तुम्हें घर से बाहर ले गया। जानबूझकर? हाँ, जानबूझकर, सोच समझकर। लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा रही, अब भी हम चाहे तो उन दिनों को भूल सकते हैं जो हमने खो दिए हैं। आरती, मुझे अब भी तुमसे प्यार है। आरती, मैं मुझसे नहीं, सिर्फ अपने आप से। तुम खुद गर्ज हो, अपनी से खुद गर्जी की वजह से तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। एक दूसरी लड़की की मांग में सिंदूर के बजाय राख भर दी। अगर ये तुम्हारा प्यार है डॉक्टर प्रकाश, तो खुद गर्ज है। प्यार खुद गर्जी नहीं, अंधा भी होता है। और अगर मैं खुद गर्ज हूँ आरती, तो सिर्फ तुम्हें अपनाने के लिए। तुम्हें सिर्फ छोड़नी पड़ेगी आरती, तुम्हें भी खुद गर्ज बनना पड़ेगा और सच है वो मानना पड़ेगा कि तुम दीपक से नहीं मुझसे प्यार करती हो आरती। तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? हाँ। मोहन की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। हाँ, आज ही तनख्वाह मिली है। नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा चाची, नहीं जी, तो नहीं पीऊंगा। पीता है ये? नहीं, नहीं। चाची, चाची। तुम ही बताओ आप क्या करें? मोहन दवा नहीं पिएगा। दीपक, मोहन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमारे लिए ना सही, उसके लिए एक बार आरती को बुला ला। नहीं, नहीं, मेरा बेटा मर रहा है दीपक। मोहन, मोहन, मोहन बेहोश हो गया है। इस घर में सब मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। जिस घर में से आई लक्ष्मी को निकाल दिया जाए, उस घर में किसी को जीने का अधिकार नहीं, किसी को जीने का अधिकार नहीं। मोहन, मोहन, देख तो कौन आया है। चाची, चाची। रोगी को देख लो बेटी, फिर मैं तुम्हें वापस घर पहुंचाऊंगा। क्यों मोहन, सुना है तुम दवा नहीं पीते? बहुत बुरी बात है ये। नहीं, इसके लो, पी लो। कह जो दिया, मुझे भूख नहीं है, चले यहां से। मोहन अच्छा हो गया तो चाची फिर नहीं आएंगी? नहीं। क्यों? दादाजी चाची को चोरी से लाते हैं ना, जब चाचा जी घर में नहीं होते। अब तो ये बिल्कुल अच्छा हो गया। अच्छा तो हो गया, लेकिन क्या? कल से तुम नहीं आओगी ना? जब से तुम गई हो, बच्चों का जी ही नहीं लगता पढ़ाई में। रोज मास्टर जी से मार खा के आते हैं। देवर जी रात को देर से घर आते हैं, खाना पड़ा पड़ा ठंडा हो जाता है। ये देखो, टूट गई थी ना, रमेश ने जोड़ दी।
आरती बेटा चलो घर पहुंचा दूं, पहले ही बहुत देर हो गई है तुम्हें। आरती अगर नहीं, आरती इस घर में नहीं रहेगी, रहना भी चाहेगी तो मैं नहीं रहने दूंगा जब तक दीपक इसे माफी नहीं मांगता। चलो बहू चलो। आरती यहाँ क्यों आई थी? मोहन को देखने। पहली बार आई थी? नहीं। तुम बुलाने गई थी? मैं नहीं ससुर जी। कह देना फिर कभी ना आए। क्या छुपा रहा है? कुछ नहीं। देखा देखा, देखिए चाचा जी हमने ये ठीक कर दी, अब दीवार पर लगाएंगे। तस्वीर दीवार पर नहीं लगेगी। बड़ी अच्छी है चाचा जी, बड़ी अच्छी है चाचा जी। चलता रहा जा। बच्चों पर हाथ उठाते शर्म नहीं आती देवर्षि? बड़े बदतमीज हो गए। क्या किया इन्होंने? ये देखो, कहते हैं दीवार पर लगाएंगे। क्यों नहीं लगाए? ये तस्वीर तुम्हारी नहीं, इनके चाचे की है। किसी की भी हो, इस घर में नहीं रहेगी। रहेगी, रहेगी जरूर रहेगी। रमेश जाओ लगा दो दीवार पर। भाभी तुम लाख चिल्लाओ, लाख बच्चों को मारो, ये तस्वीर लगाई जाएगी और जरूर लगाई जाएगी। सबकी नजरों के सामने रहेगी, सबको याद दिलाने कि इस घर में बुरी हूं तो मैं। आरती ये झूठ है, सरासर झूठ। हाँ इतना झूठ बोला है इस घर में मैंने, क्या सच भी बोलूं तो झूठ बन जाता। झूठ समझो या सच, इस घर में आग लगाई तो मैंने, सेवा को वासना का रूप दिया तो मैंने, तुम्हारे मन में शंका का बीज बोया तो मैंने। और आरती निर्दोष होगी इसलिए कि तुम्हारे बच्चे ने दवा पी ली उसके हाथ से। मैं इस तस्वीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नहीं पर जाओ। नालायक बेवकूफ, अब तेरा हाथ भी उठे लगा, जा निकल जाए। मुझे पिता कहने का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं तुझे। मैं तेरा मुंह भी नहीं देखना चाहता, जा। कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी बहारों की मंजिल राही। डॉक्टर प्रकाश फोन पर। हेलो हेलो डॉक्टर प्रकाश, मैं आरती बोल रही हूँ। सुनिए डॉक्टर, डॉक्टर प्रकाश। क्या हुआ बेटी? डॉक्टर प्रकाश ने फोन बंद कर दिया। मैंने तो पहले कहा था कि डॉक्टर प्रकाश। जीवन तुम खुद वहाँ चले जाओ, कह देना मैंने तुम्हें भेजा है। आरती बहन तुम्हें जाना ही पड़ेगा। जीवन ठहर, ये कोरा चेक लेते जाओ। डॉक्टर साहब, इस वक्त क्या काम है? आरती बहन ने भेजा है। दीपक का ऑपरेशन करना है? जी हाँ जी हाँ। जीवन जी, जो आदमी हाथ आया हो मौका जाने दे, उसे क्या करें? जी बेवकूफ। तो मैं बेवकूफ नहीं बनना चाहता, यह मौका मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। बिल्कुल ठीक, यही तो एक मौका है रुपया कमाने का, ये साबित करने का कि आप कितने समझदार हैं। ये लीजिए कोरा चेक, जितनी फीस चाहिए भर लीजिए। कोरा चेक? आरती बहन की मजबूरी, कहने लगी प्रकाश से कहना मेरा सुहाग आपके हाथ में। आरती का सुहाग, उससे कह दो इन कागज के टुकड़ों से अगर उसका सुहाग बच सकता है तो बचा ले, मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा।
ये कागज के टुकड़े नहीं, थर्मामीटर के टुकड़े, सिरिंज के टुकड़े हैं, दवा की शीशियों के टुकड़े, ये उस मानवता के मंदिर के टुकड़े हैं जिसके आप पुजारी बन बैठे हैं। एक डॉक्टर होने के नाते इनसे आरती का सुहाग तो नहीं बच सकता, लेकिन इतना जरूर साबित होता है कि दूसरों को जिंदगी देने वाला डॉक्टर जब इंतकाम की आग संधा हो जाए वो डॉक्टर नहीं रहता, खुद मरीज बन जाता है, जिसका इलाज सिर्फ एक डॉक्टर कर सकता है, ऊपर वाला। जो ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया। हाँ ठीक किया। इनकार ही करना चाहिए था, यही तो एक तरकीब है आरती से बदला लेने की। दीपक की मौत तुम्हारी जीत होगी। मतलब क्या तुम्हारा? यही कि तुम उस रिश्ते की मौत चाहते हो जिसने आरती को तुम्हारा नहीं बनने दिया। तुम गला दबाने से क्या होता है, सिसकियां ही रुक जाएंगी ना मेरी, तुम्हारे सीने की आग तो नहीं बुझेगी, वो और भी बढ़ जाएगी। डॉक्टर प्रकाश, मैंने कह दिया केस मैं नहीं लूंगा। जीवन कहानी में ऑपरेशन नहीं करूंगा। कहा है तो फिर क्यों आई हो मेरे पास तुम? चले जाओ यहां से, मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा। जो ऑपरेशन कामयाब हो तो मेरी हार होगी, ना हुआ तो मेरी बदनामी। याद नहीं तुमने मेरा अपमान किया था, हाथ उठाया था मुझ पर? मेरा हाथ प्रकाश पर उठा था, डॉक्टर पर नहीं। तो जाओ किसी डॉक्टर के पास, प्रकाश के पास क्यों आई हो? कहां जाऊं, डॉक्टर वर्मा बाहर गए हुए हैं, आपके सिवा दूसरा कोई ब्रेन स्पेशलिस्ट नहीं है। ब्रेन स्पेशलिस्ट, डॉक्टर और कुछ नहीं। अगर दीपक को कोई बचा सकता है तो सिर्फ आप, मुझे विश्वास है। और अगर ना बचा सका तो? मेरा दुर्भाग्य। बदला लेना है तो मुझे से लीजिए, मरीज से क्यों? क्या सोच रहे हैं आप? आप एक डॉक्टर हैं, ऑपरेशन करने से कैसे इनकार कर सकते हैं? एक मरीज की जान बचाना क्या आपका धर्म नहीं? वो मेरा फर्ज है, लेकिन लेकिन तुम मुझे मजबूर कर रही हो आरती। इस वक्त दीपक जिंदा है, उसका दिल धड़क रहा है, मेरे ऑपरेशन करने से उसके दिल की धड़कन बंद हो सकती है, मेरा हाथ कांप सकता है, मुझसे भूल हो सकती है कि नहीं? डॉक्टर सिर्फ ऑपरेशन कर सकता है, जान का जिम्मा नहीं ले सकता, न बचा सका तो उस पर कोई इल्जाम नहीं आ सकता। अब जो तुम चाहती हो कि मैं ऑपरेशन करूं? हाँ, अभी मैं चाहती हूं कि आप ऑपरेशन करें। अच्छी बात, मैं ऑपरेशन करूंगा, लेकिन उस वक्त तुम्हें मरीज के पास रहने की इजाजत नहीं होगी। मुझे मंजूर है।
ऑपरेशन मेरे क्लिनिक में होगा जैसा मैं चाहूंगा। ये भी मुझे मंजूर है। ठहरो, फीस तय कर लो। आप ही बताइए। जो मैं चाहूं। ये ब्रेन हेमरेज केस है, किसी वक्त भी मौत हो सकती है। क्या फैसला तुम्हारा? अगर दीपक की जान की कीमत यही है तो ये भी मंजूर है मुझे। ये जान की नहीं, ऑपरेशन की कीमत है, गलत मत समझो। मुझे फिर भी मंजूर है। शुरू हो गया क्या? अभी नहीं, जैसे भी हो ऑपरेशन रोक दीजिए। कुछ हो गया तो मैं रोकूंगी इस ऑपरेशन को। नहीं रोकूंगा, ये ऑपरेशन होगा। आरती, ये सिर्फ एक सुहागन के सुहाग की कसौटी नहीं, एक डॉक्टर की परीक्षा भी है। एक मरीज के लिए डॉक्टर ना बाप होता है ना भाई, दोस्त होता है ना दुश्मन, वो सिर्फ डॉक्टर होता है, एक फरिश्ता। आरती, तुमने अब तक दस्तखत नहीं किया। ये क्या है? ऑपरेशन आरती की जिम्मेदारी पर हो रहा है। बैठ। ऑपरेशन
कामयाब हुआ। वो अभी तो ऑपरेशन का कामयाब होना ही तो काफी नहीं। डॉक्टर, यस, जी बहुत अच्छा। फोन है डॉक्टर साहब का, आपको बुलाया है अपने कमरे में। जान को कोई खतरा नहीं। आपका बिल अदा करना चाहती हो? कितना है ये पूछो। क्या है? क्या है याद नहीं तुम्हें? तुम चाहो तो अब अपने वचन से फिर सकती हो। जी नहीं, आप बताइए कि आपकी फीस क्या है, अपनी जबान से कहिए। कह सकेंगे आप? यहां इस क्लिनिक में डॉक्टरी की इन तमाम खामोश निशानियों के सामने जो बेजान हैं, लेकिन गवाह रहेंगी, तमाम जिंदगी आपको याद दिलाती रहेंगी कि एक डॉक्टर ने एक मरीज की जान इसीलिए बचाई पतिव्रता स्त्री की आत्मा को कुचल सके। कहिए कहिए क्या चाहते हैं आप? दीपक को तुम छोड़ सकोगी? मेरी बन सकोगी? तो फिर क्यों वचन दिया था तुमने? तुमने कभी मेरी परवाह नहीं की और अब चाहती हो कि मैं तुम्हारी परवाह करूं। मैंने तुम्हें अपनाना चाहा, तुम्हारे साथ मिलकर जीना चाहा, लेकिन तुमने किसी दूसरे के लिए मुझे ठुकरा दिया। और जब बदला लेने का वक्त आया तो एक दीवार खड़ी कर दी मेरे सामने, फर्ज की, इंसानियत की। मैं तुम्हारे पति की जान ले सकता था, तुम्हें तबाह कर सकता था, नहीं किया। लेकिन अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। आरती, अब तक मैंने जो कुछ किया मोहब्बत की खातिर,
और अब जो कर रहा हूं वो भी मोहब्बत की खातिर। जहर, इसका मतलब है मेरी हार, लेकिन यही हार मेरी जीत है, मेरी मोहब्बत की जीत। तुम सुखी रहो आरती, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ आरती, आज ये बात मैं दिल से कह रहा हूं, मुझ पर हमेशा तुम्हारा एहसान रहेगा। मैंने तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश की थी, इसके बावजूद भी तुमने मुझ पर भरोसा किया, मुझे बचा लिया। सुखी रहो। अश्रुओं के तारे ढल गए, हर सू तेरे नक्शे कदम से फूलों के दीपक जल गए।